हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके साथ ट्विंस सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जी हां, और मैं आपसे आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये जो एक्सपीरियंस था सीजेरियन डिलीवरी का, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस और बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहा है। क्यों, मैं आपको वो बताऊंगी और मैं इसमें आपको सब बताऊंगी कि मेरा ऑपरेशन क्यों हुआ था और किस वजह से हमें फैसला लेना पड़ा था और मेरा जो है सीजेरियन इमरजेंसी वाला था या फिर हमारा प्लानिंग ऑपरेशन था। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि ये मेरे लिए इतना ज्यादा डेंजरस और पेनफुल एक्सपीरियंस क्यों रहा। चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हुआ ये था कि जो अल्ट्रासाउंड की जो डेट थी वो भी निकल गई थी और मतलब उससे लगभग ओवर ही टाइम हो चुका था, 15-20 दिन, लेकिन होने की संभावना नहीं हो रही थी। जैसे आपको पता है कि मेरे ट्विंस बेबी बॉय हैं, तो ट्विंस बेबी थे और लास्ट में क्या हुआ कि जब हमारा टाइम कंप्लीट हो गया था तो हमारे जो दोनों बेबी थे वो जो है बिल्कुल उल्टे हो चुके थे और प्लस उनकी जो सिचुएशन थी उल्टे तो थे और साथ में वो दोनों तिरछे भी हो गए थे, जिस वजह से हमारा टाइम जो है ओवर ही होता जा रहा था और उनका वेट भी कम्प्लीट हो गया था। मतलब उनका पूरा डेवलपमेंट सब कुछ बिल्कुल ओके था, बस इंतजार था तो उनके आने का, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा हमको भी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि आपको पता है जब सब कुछ ओके हो जाए तो बहुत ज्यादा रुकना भी घातक हो जाता है। तो फिर क्या था, हम जो है डॉक्टर के पास गए एक तारीख को जाने के बाद डॉक्टर ने हमसे कहा कि अब आप जो है और ज्यादा वेट ना करिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की जो डेट थी हम उसके पहले ही हम एक महीना ओवर वेट कर चुके थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप और ज्यादा वेट ना करिए, तो उन्होंने मुझे समझाया कि, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम जो है दर्द वगैरह क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके जो बेबी हैं दोनों वो उल्टे हो गए, और उल्टे मतलब उनके जो पैर थे वो नीचे हो गए थे, जो सर था वो ऊपर हो गए थे, तो इसी वजह से पेन जो है नहीं आ रहा था। क्योंकि जब हमारे बाबू लास्ट टाइम पे जो है राइट पोजिशन में होते, जब उनका सर नीचे होता है तो जो भी दर्द का जो प्रेशर होता है तो वो नीचे को दबाव पड़ता है, लेकिन जब पैर नीचे होते हैं तो आपको पता है पैर हल्के होते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल भी नीचे को प्रेशर नहीं पड़ता है। तो यही रीजन ही था मेरे साथ भी। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप अगर ये सोच रही हैं, तो मैंने उससे पूछा भी मैम अगर मैं 8-10 दिन और वेट कर लूं तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बेकार है, आप 8 दिन के आप 15 दिन वेट कर लीजिए, लेकिन आपको नॉर्मल तो नहीं होने वाला, हाँ हो सकता है आपको इमरजेंसी का जरूर मतलब डिसीजन लेना पड़े। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास अभी उचित समय है, अगर आप अभी करवा लेती हैं तो आपके बच्चे भी आपको सेफ मिल जाएंगे, प्लस आप भी सेफ हो जाएंगी। और तो फिर क्योंकि अगर आप अभी नहीं करवाती हैं तो फिर इमरजेंसी में ना तो आपकी कोई गारंटी होगी ना ही बच्चों की, क्योंकि कोई भी चीज है अगर आप उसको लिमिट से ज्यादा बढ़ाएंगी तो आपको पता है कि वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, ठीक है। तो फिर क्या था, फिर डॉक्टर की बात हमको समझ में आ गई तो फिर हम लोग घर पे आ गए। प्रॉब्लम ये थी कि वही दिक्कत थी कि कोई था नहीं, कोई देखने वाला, कोई बाद में केयर करने वाला, कोई भी नहीं था। तो वैसे होते तो सभी हैं, मेरे थे तो सभी, लेकिन वक्त पे कोई नहीं था फ्रेंड्स। मतलबी लोग होते ये तो मालूम था, लेकिन इतने ज्यादा मतलबी होते ये नहीं मालूम था। क्यों, क्योंकि हुआ क्या कि जब मेरा ऑपरेशन को, कोई बात नहीं, फिर दीदी को मैंने, मेरी दीदी आ गई थी, मैंने उसको बुला लिया था क्योंकि उस समय मेरे पास कोई नहीं था, आपको पता है एक लेडीज की तो जरूरत पड़ती है। तो फिर वो आ गई थी, आने के बाद में जो है आई, और वो दोपहर में आ गई थी। दोपहर में आने के बाद में हमने तैयारी तो हमने पहले ही कर ली थी 1 तारीख को ही, फिर हम लोग जो है शाम को ऑपरेशन मतलब शाम को सारा सब कुछ करके फटाफट से हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद में आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि ये जो मेरा पहला सिजेरियन था और जो मेरी पहली बेटी हुई थी तो वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो फिर हमें मतलब बहुत ज्यादा ही घबराहट हो रही थी। घबराहट इस बात से कम हो रही थी कि सिसेक्शन होना है, बल्कि इस बात से ज्यादा हो रही थी कि बाद में मेरा क्या होगा, क्योंकि आपको पता है सिजेरियन वाला तो ना तो उठ के कोई काम खुद तो कर ही नहीं सकता, उसको तो हर चीज के लिए डिपेंड होना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे हाथ में ही सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या कर सकते हैं, हालात थे। हालांकि सोचता तो कोई भी ऐसा नहीं है कि सिसेक्शन हो, और लेकिन क्या कर सकते हैं, हालात के आगे हम लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जैसा हम सोचें वैसा ही हो। फिर कोई बात नहीं, क्या था, फिर हम लोग चले गए वहां पे, जो है फॉर्मेलिटीज हुई। एक बार तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो है मतलब रेडी करते हैं ऑपरेशन उसमें ले जाने से पहले, तो फिर उन्होंने मतलब भाई ब्लड वगैरह टेस्ट हुआ और जो है मतलब जो भी उनका होता है सब कुछ लगा क्लियर करने के बाद में
जो है फिर ले गए ऑपरेशन के लिए। और तो मैं आपको बता दूं कि उस समय बहुत ज्यादा सर्दी थी, 2 जनवरी का टाइम था, तो फिर मैं जो है अंदर ले गए, मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। एक बार तो मैं अंदर जाके वापस आ गई थी, मतलब फिर मैं बहुत देर खड़ी रही, रोती रही कि नहीं मुझे नहीं करवाना। फिर जो है सब लोग मुझे समझाते रहे। आपको बता दूं कि बड़े अफसोस की बात है कि मेरा अपना मेरे साथ, मतलब वहां पे सिर्फ मेरी दीदी थी और बाकी इनके दोस्त वगैरह थे, बाकी कोई भी नहीं था। हालांकि होते तो सब है, पर कोई बात नहीं, समय था, निकल गया। तो फिर इनके दोस्त वगैरह भी थे, तो जब मैं वहां पे बहुत रो रही थी बाहर आके, तो फिर वो मुझे समझाने लगे कि घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। मतलब होता है ना कि सब हमारे साथ तो कोई भी हो, और आपको पता है ना वक्त पे अक्सर बाहर वाले अपने बन जाते हैं लेकिन अपने अपने नहीं रहते हैं, पर कोई बात नहीं, क्या करना। तो उसके बाद में वो लोग मुझे समझाते रहे कि नहीं तुम डरो मत इतना। मैं फिर उसके बाद में हिम्मत करके थोड़ा सा अंदर गई, और अंदर जाने के बाद जब मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो मतलब वहां का जो लोकेशन देखा तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। तो फिर क्या था, गए उसके बाद में, आपको बता दूं कि डर जब भी तक लगता है जब तक कि आप वहां पे मतलब बैठ जाए। उसके बाद में गई मैं वहां पे, उन्होंने बिठाने के बाद में मुझे इतना डर लग रहा था, तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मतलब जो भी बीपी वगैरह नापते हैं सारा, फटाफट से बेल्ट वगैरह दोनों हाथों में लगा देते हैं, सबसे पहले इंजेक्शन लगाते हैं जो रीढ़ की हड्डी में होता है, ठीक है। और वो लगाने के बाद में मैं आपको बता दूं, जब वो इंजेक्शन लगता है तो वो डॉक्टर बोलते भी कि आपको बिल्कुल हिलाना नहीं है, बिठाल के और थोड़ा सा मतलब ऐसे झुका के बिठाल देते हैं, तो उसके बाद में वो इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, उस इंजेक्शन के लगने के बाद में मुझे ये पता ही नहीं चला कि मतलब कब क्या हो गया, ठीक है। हालांकि पूरा सुन्न तो नहीं होता, आपको पता है नीचे का ही पोर्शन सुन्न हो जाता है, मतलब पेट से लेके पूरा पैरों तक, उसके बाद में बाकी दिमाग बाकी तो सब पता चलता रहता है। तो फिर जब इंजेक्शन लगा उसके बाद में मुझे पता नहीं था क्या कैसे कब क्या हो गया, बस उसके बाद में जस्ट लगभग 1 से 2 मिनट ही हुए होंगे, तुरंत मेरे कानों में जो बाबू की आवाज आने लगी थी। और पता है आपको, मन में फिर भी यही चल रहा था कि काश नॉर्मल हो जाता, मतलब दिमाग में चल रहा था लेकिन हाथ पर कोई काम नहीं कर रहे थे, बस दिमाग है पता नहीं कब क्या सोचने लगे। तो मतलब बाबू हो भी चुके थे, कानों में आवाज आ गई थी, फिर दिमाग में ये आया कि अब तो हो गए, अब तो कोई फायदा ही नहीं है। उसके बाद में होने के बाद में जो उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला, खैर 2 मिनट जो भी था, मतलब टोटल टाइम लग जाता है वही 45 मिनट लग जाते हैं उसके बाद, क्योंकि फिर अब बाहर मतलब बाहर आने के बाद फिर तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है कैसे हो रहा। वो लोग मुझे जो है बाहर ले आए, लेने के बाद में कई लोगों ने मुझे पकड़ के उसके बाद में जो है बेड पे लिटा देते हैं, वहां पे रूम उसी में शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में जो है आपके होने के बाद में, मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ लोगों को सुन होने के बाद पता नहीं चलता, लेकिन मुझे हाँ उस टाइम तो नहीं पता चला था कि जब ऑपरेशन हुआ था बाबू आ गए थे, लेकिन उसके जस्ट थोड़ी देर बाद मतलब मुझे फिर तुरंत ही धीरे 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 तुरंत ही पता चलने लगा था। और मैं आपको बता दूं कि होने के बाद में जब हम आ गए थे उसके जस्ट थोड़ी देर बाद सब कुछ पता चलने लगा, धीरे धीरे दर्द भी होने लगा और फिर पेन इतना ज्यादा होने लगा था कि मतलब बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कर रहे थे कोशिश। और थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, मैंने उनसे तुरंत बोला भी कि मैं उठना चाहती हूँ, तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप नहीं उठ सकते हो अभी, क्योंकि होता है ना एकदम से हम बिल्कुल सही सलामत जाए और उसके बाद में एकदम से लिटा दी जाए कंटिन्यू, तो बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं अभी आप नहीं उठ सकते हो, तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि नहीं मुझे उठना है। तो उसके बाद में कोई बात नहीं, फिर क्या था कि लगभग भाई आपको जो है 2-3 दिन तक लगातार बोतलें वगैरह काफी कुछ चढ़ाते हैं उसी में, मेडिसिन वगैरह सब उसी में ही डाल देते हैं। और इतना करने के बाद में कंटिन्यू चलती, और मैं आपको बता दूं खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, यहां तक कि पानी भी नहीं देते हैं, लगभग भाई 48 घंटे ऐसे ही समथिंग था, मैं तो भूल भी गई हूं, तो नहीं देते हैं। लेकिन हाँ सर्दी थी तो मुझे प्यास वगैरह भी कुछ नहीं लग रही थी, हाँ थोड़ी बहुत भूख जरूर लग रही थी, वो भी जब जब सब लोग बैठ के सामने खाते थे, तो कोई बात नहीं होता है। तो उसके बाद में जो है जब हमारे ऐसा होता है ना कि वो लोग इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जो हमारा ऑपरेशन होता है उसके बाद में अगर वो तुरंत कुछ खाने को देंगे तो वो बताते हैं, हमने उनसे पूछा था क्यों नहीं खा सकते, तो उन्होंने मुझे क्लियर किया कि अगर आप अभी कुछ खा लेंगे तो आपका जो पेट जो है वो फूलता ही चला जाएगा। तो मतलब ऐसा होता ना कि जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद में दर्द मतलब गैस वगैरह जो जब तक आपकी बोन नहीं हो जाती क्लियर तब तक कि आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो इसमें हम ही लोगों की भलाई होती है इसलिए वो लोग मना करते हैं। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी खुद की ही सेफ्टी होती है इसमें, तो फिर कोई बात नहीं। ऐसे करते करते और इतनी ज्यादा बोतलें चढ़ती है कि पूरा हाथ सूज जाता है, बहुत ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन क्या करोगे, माँ बनना इतना आसान तो नहीं है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। कोई भी कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता ही है। तो उसके बाद में क्या था, मुझे तब तक तो दिक्कत नहीं हुई जब तक मेरी दीदी वहां पे नहीं। दीदी भी क्या 3-4 दिन तक रुकी थी, उसके बाद हॉस्पिटल में लगभग 4 दिन तक रहे थे। 4 दिन के रहने के बाद में क्या था कि हमारी जो है वहां से छुट्टी हो गई थी, और छुट्टी ले ली थी। फिर उसके बाद में हमको घर आ गए थे, और घर आने के बाद आपको बताएं कि लेके आए थे। तो उसके बाद में जो हमारा जो रूम था वो ऊपर था, और जीने से चढ़ के आना था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। क्योंकि मतलब ये लोग लेके आए, हालांकि फिर तुरंत ही जीने पे चढ़ाया, और उसके बाद में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। क्योंकि आप समझ सकते हो तुरंत ही चढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मजबूरी थी। तो उसके बाद में हमको 2-3 लोग पकड़ के लाए थे, लेकिन फिर भी प्रेशर तो थोड़ा बहुत तो पड़ ही जाता है। उस समय तो एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल होता है, फिर जीना चढ़ना। तो फिर हम लोग आ गए, फिर वहां पे जो है आने के बाद में जब मैं लेट गई तब तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका भी ऑपरेशन हुआ है, अगर आप घर पे आए हैं, तो प्लीज तुरंत जीना वगैरह ना चढ़ें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उस दिन मैं आपको बता दूं 24 घंटे मुझको दर्द झेलना, मतलब इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर सबसे बाद में आने के बाद में तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। फिर दीदी आई थी, दीदी जो है बाहर रहती थी, तो उनकी छुट्टी भी लिमिट में थी, तो उनकी छुट्टी भी खत्म हो गई थी। लगभग वो 4-5 दिन मेरे साथ रुकी थी, और जो है जब वो जाने लगी थी उसके बाद में हमारे लिए बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो गई थी। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था, मतलब कोई ये भी पूछने वाला नहीं था कैसी हो, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है सामने। हालांकि तो आप तो समझ सकते हो ये तो दुनिया का उसूल है। तो फिर क्या हुआ, वो चली गई, और जिस दिन वो गई थी ना, मैं आपको बता दूं, मैं उस दिन बहुत रोई थी। क्यों? क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ के जा रही, मतलब लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो फिर वो तो चली गई, चले जाने के बाद में फिर बस वही मेरे साथ हुआ जो मैंने सोचा था। मतलब कोई भी नहीं था, बस हम थे, हमारे हस्बैंड थे। और मैं आपको बता दूं, फिर घर पे आने के बाद में फिर जो है टांके कटवाने के लिए जाते हैं लगभग 9वें दिन, मतलब तो 1-2 दिन तो गुजरने के बाद, 9 जब दीदी चली गई थी तो 9वां दिन था। तो मुझे टांकों कटवाने के लिए जाना था, मतलब पहले ड्रेसिंग एक बार और होती है, तो उन्होंने बुलाया था। तो मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा भी नहीं था कि जो ये भी कह दे कि नहीं मैं बाबू देखे हो, तुम जो है चली जाओ और जो है टांके मतलब ड्रेसिंग वगैरह करवाए आओ। तो क्या था, फिर मेरे पास कोई ऐसा नहीं था, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। तो मैंने कहा फिर क्या करें, पर मेरी दोस्त थी, आपको बताया ना दोस्त ही होते हैं जो हर मुसीबत में काम आते हैं। तो फिर मेरी दोस्त थी, मैंने उसको फोन किया, मैंने उससे कहा कि आजा मुझे जाना है ड्रेसिंग के लिए। तो मतलब क्या बताऊं, बस 5 मिनट भी नहीं हुए वो तुरंत आ गई। आने के बाद में वो जो है वही बैठी रही, उसके बाद फिर मैं चली गई, फिर मैं वहां से लौट के आई, और मतलब फिर उसके बाद में उसी ने मेरे लिए खाना वगैरह भी बनाया। तो काफी दिनों बाद मैंने खाना खाया था, क्योंकि हस्बैंड थे, अकेले रह गए थे, तो बेचारे मतलब इतना नहीं कर पाते थे। क्या आपको पता है जेंट्स लोग इतना नहीं मैनेज कर सकते हैं, एक लेडीज का होना उस समय बहुत जरूरी होता है। तो फिर क्या था कि वो तो चली गई, उसके बाद में जो है धीरे धीरे फिर उसके बाद में टाइम गुजरता क्या, उसके बाद में मेरा 11वां दिन था। फिर मुझे मतलब जब मैं 9वें दिन गई थी तो उन्होंने ड्रेसिंग की थी, सिर्फ 2 टांके हटाए थे, उन्होंने बोला था फिर आप 3 दिन बाद आना, आपके सारे टांके हटा दिए जाएंगे। तो फिर क्या था कि हम लोग आ गए, आने के बाद में फिर हमको 11वें दिन जाना था। फिर मैं जो है 11वें दिन भी गई, फिर मैं फिर उस दिन भी मैंने अपनी दोस्त को ही बुलाया, उसको फोन किया, तो फिर वो आ गई। उसके बाद में फिर मैं 11वें दिन भी टांके कटवाने चली गई थी, और फिर मैं जो है लौट के आई। बता दूं कि जब टांके कट जाते हैं ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद में क्या कि धीरे धीरे मतलब मुझे क्या बताऊं, मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि फ्रेंड्स 11वें दिन आने के बाद में तो फिर कोई नहीं था, बस फिर हम थे, हमारे हस्बैंड थे, और प्लस मेरी एक बेटी थी। तो क्या था कि बड़ा बहुत ही ज्यादा मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो मुझे देखते या फिर वो दोनों बच्चों को देखते या फिर वो खाना देखते मतलब या फिर मतलब बहुत आप समझ सकते हो। तो फिर क्या था कि हम लोग में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन
मतलब हम लोगों ने एक एक दिन बहुत ही ज्यादा रो रो के काटा सच में फ्रेंड्स। रात रात में रोते थे, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो ये कह दे कि लाओ बाबू हम ले लें और तुम थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन में वैसे ही बहुत तकलीफ होती है और मतलब बैठना ही मुश्किल हो जाता है, उसके बाद में फिर बच्चों को हैंडल करना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रभु मतलब, लेकिन क्या बताऊं, लोग मतलब ये तो जानती थी कि लोग मतलब ही होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था इतने ज्यादा मतलब ही होते हैं कि मतलब इंसान थोड़ा सिचुएशन देख के तो तरस खा ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, और वक्त था फ्रेंड्स, गुजर गया। लेकिन सच में आपको बता दूं कि जब भी वो लम्हा सोचती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है कि मतलब ऐसा लगता है कि आज आप देखिए, आज मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ और सच हो गई थी। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि ऑपरेशन हमारे लिए खतरनाक नहीं होता, बल्कि तकलीफ तो जब होती है जब कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई मतलब आपको पता है, आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब हमारे जो पड़ोसी थे वो हमसे कह देते थे कि मेघा किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी हो मुझे बता देना। तो फिर आप समझ सकते हो एक दिन का तो होता नहीं है ये, लगभग इसमें एक से डेढ़ महीने का प्रोसेस रहता है। तो फिर क्या था, बस धीरे धीरे प्रभु का नाम लेते लेते टाइम कट गया, धीरे धीरे रोते रोते हंसते हंसते मतलब जैसे भी करके धीरे धीरे। फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि आपको पता है मतलब ऑपरेशन होने के बाद तो आप एक तरीके से बिल्कुल मतलब बेजान ही समझ लो अपने आप को कि हमें पानी चाहिए तो हमें कोई उठाए बिठा ले, हमको मतलब फ्रेश होने मतलब कुछ भी हमको करना है तो हमको किसी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। फिर क्या था, मतलब बहुत ही ज्यादा मैंने सोचा नहीं था ये, मैं आपको बता दूं मेरी लाइफ का ये सबसे ही ज्यादा डेंजरस पल था। मैंने नहीं सोचा था कि मतलब लोगों के बिहेवियर इस तरीके से बदल जाएंगे, और देखिए ना आज जब मैं बिल्कुल फिट हूं तो आज वही लोग आप समझ सकते हो, तो आज वही लोग बोल रहे हैं चाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय लोगों ने इस तरीके से मुख मोड़ लिए थे कि मतलब बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि लोग ये सोच रहे थे कहीं ये मुझसे थोड़ी सी हेल्प ना मांग ले, मुझसे ये ना कर ले। तो मैं ये जो मेरा सिजेरियन था ये मेरी जिंदगी का सबसे ही ज्यादा खतरनाक और सबसे ही ज्यादा भयानक मंजर था, क्योंकि मुझे कितनी तकलीफ हुई ये तो मैं ही समझ सकती हूँ और ये एक वो लेडीज भी समझ सकती है जिसका सिजेरियन हुआ होगा। और सबसे बड़ी चीज कि आप खुद समझिए कि नॉर्मल डिलीवरी में कितनी थोड़ी उसमें भी दिक्कत होती है, फिर सी सेक्शन में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। और फिर कोई बात नहीं, क्या था कि ऐसे ही वक्त करते करते निकल गया, बस मन किया आपके साथ थोड़ा सा शेयर करने का, थोड़ा आपको आपसे बातें करने का। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी कि सभी से कहना चाहूंगी कि जब भी आपकी लाइफ में बुरा वक्त है तो प्लीज घबराइएगा मत, ठीक है, और उसका डट के सामना करिए। आप देख सकते हैं मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन आज मैं फिर भी आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी हूँ। और बस एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर आप जो है हस्बैंड वाइफ है तो कोई साथ दे ना दे, लेकिन प्लीज आप लोग एक दूसरे का साथ जरूर दें, ठीक है। और क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ होते हैं ना तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो वक्त के साथ बदलते ही रहते हैं, तो लोगों की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये स्टोरी मैंने इसीलिए और शेयर की है कि ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ऐसा मेरे ही साथ होता है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसा 80% लेडीजों के साथ होता है जिनकी बिल्कुल भी केयर नहीं की जाती है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये होती है कि मतलब वंश तो सबको चाहिए, लेकिन बहुए मतलब किसी को नहीं चाहिए, और चाहिए तो बस एक क्या बताएं, समझ में नहीं आता क्या बोले, आप तो जानते हैं ऑलरेडी। तो आप लोगों से वीडियो के लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप किसी पे भरोसा करें या ना करें, लेकिन ईश्वर पे पूरा भरोसा रखें, ठीक है फ्रेंड। मैंने तो बस यही सोच लिया था कि अब जो भी होगा प्रभु ही देखेंगे, और देखिए आप मेरे साथ जो भी हुआ जैसे भी हुआ बस सब ईश्वर की कृपा से कब हो गया पता ही नहीं चला। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि एक प्रभु ही ऐसा होता है जब हम उस पर भरोसा रखते हैं ना, तो दुनिया हमको धोखा दे सकती है लेकिन वो हमको कभी भी धोखा नहीं देता है। तो आप देख सकते हैं, और मैं तो बिल्कुल बस मुझे तो मैंने तो यही सीखा है कि आप दुनिया पे भरोसा ना करके बस ऊपर वाले पे भरोसा रखें, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी होता है जैसे भी होता है वो सब ऊपर वाले की कृपा से ही होता है, और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले सारे दरवाजे बंद कर देता है ना तो एक दरवाजा जरूर खोल देता है। तो प्लीज आप ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखें, और बस
उसका नाम लेते जाएं और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं और आप मुझे देख सकते हैं, मैं तो बस उसी के भरोसे जीतती हूँ। और देखिए वो मेरा हर मोड पे साथ देता है, कब हो जाता है कैसे हो जाता है मैं तो पता ही नहीं चलता। और हाँ, और आपसे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ फ्रेंड्स, आज तक तो मेरा किसी ने साथ नहीं दिया तो आप प्लीज मेरा थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा अपना प्यार और अपना साथ जरूर दें। और मैं आशा करती हूँ कि ये स्टोरी जो है वो मेरी सभी बहनों को थोड़ी सी हिम्मत देगी और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि जब मैं जंग जीत सकती हूँ तो आप भी जीत सकती हैं। तो बस आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये रोना धोना बंद करिए कि कोई साथ नहीं देता, कोई बात नहीं, आप अपने साथ आप अपना साथ खुद दीजिए और बस ईश्वर के साथ ईश्वर पे भरोसा कीजिए तो बस जिंदगी में सब अच्छा ही होगा। और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आज आपके सामने। बस मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं बस एक दिन जरूर जो है YouTube पे आप लोगों के सामने आऊंगी और आप लोगों से बातें करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं बोलूं और बातें करूं। तो बस और मुझे कोई चाहिए भी नहीं, बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, क्योंकि मुझे दिखावे के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।